मर्जिका हम समझा, यानी उन्हें जो उसके नाम से ईमान लाते हैं। खुदा पाक, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम। आप सबको यीशु मसीह की पहली आमद बहुत बहुत मुबारक। प्लीज याद रखिए, आज यीशु और मैं आऊंगा और देखो कोई भी होगा उस पहाड़ के प्रति कामना दिखाने न लगे, और जब खुदा उस पहाड़ को उतरा तो लोगों ने करना शुरू कर दिया। और राम ने लिखा है क्रूस की किताब की 20वें बाद लिखा गया है, और सब लोगों ने बादल गए थे और उनकी चमक थी और पूर्णा की आवाज होते और पहाड़ के धुआं होते देखा, और सब लोगों ने इन्हें देखा तो साथ थे और खड़े हो गए। और फिर मूसा ने कहा पूरी किताब से बातचीत कर लिया और उन्होंने कहा इंसान का खौफ खुदा के बादल में बढ़ गया, इंसान खुदा की आवाज सुनने से डरता है वो गोलीबार वो खुदा से दूर है। और मूसा ही उस दक्षर साइकिल में उस कैंडामा में चढ़ता था, वो खुदा से बातें करता था, खुदा के एहकाम लाकर लेता था, यही एहकाम उसमें खुदा से उस पहाड़ से लेकर आया। जब खुदा ने उनको पत्र वही पर लिखा और वो दस एहकाम हम सब जानते कि वो उन पर अमल करे ताकि खुदा के साथ खुदा इंसान के साथ अपनी प्रभावत को बहाव देखना चाहता, और खुदा ने छुड़ाया उन 40 सालों में दिया वापस से लेकर वो मुल्क के मावता में पहुंचे और वहां पर प्रभु तो बात करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की प्रभाव करते हैं और इबादत करते हैं। लेकिन ये नाकाम प्रयास और उनके सिरों पर नहीं होगा, आपने ये एहकाम पत्थर के तौर पर नहीं लिखूंगा, मैं उनके दिलों पर ये एहकाम लिखूंगा और मैं उनका खुदा होगा और वो मेरे लोग होंगे। ये सूरत मिला, ये सूरत बात है जो खुदा ने परम इंसान के साथ वादा किया और उसने ये वादा किया कि मैं उन्हें रूह के तौर पर पैदा करूंगा, मैं उनकी दोबारा जो खुदा
ईमान मुताबिक कि तुम्हारी नई प्रदान रूप के नतीजे से पैदा होने की जरूरत और खुदा उसके गुलाम ने लिखा है कि खुदा हूं है और जरूर है कि उसके प्रसार रूप और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे और खुदा उसके गुलाम ने लिखा है लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो बस आज भाइयों हम तेरे साथ हैं अगर जिस्म के नहीं तो जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे अगर जिस्म के मुताबिक तो जरूर मरे हलाल लेकिन अगर रूह से बदल के काम करोगे सुना शुरू करोगे तो जीने रहोगे रूह से पैदा होना बरकत की बात रूह से पैदा होना तब्दील की बात रूह से पैदा होना असल क्रिसमस रूह से पैदा होना पढ़ा दे रूह से पैदा होना मैरी आज के दिन जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो बहुत तैयारी करते हैं और शायद उस तैयारी को खर्च करने के लिए हमारे भाई भी यहां पर आए ये सारी तैयारी लेकिन जो तैयारी जो हमारी जिंदगियों में है वो रूठी तैयारी और खुदा ने कहा आवाज
انجام تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا. حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے. وہ دنیا میں تھا, دنیا اسی سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند بنے, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. وہ خون سے نہیں, نہ جسم کی خواہش سے, نہ آدمی کے ارادے سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا. ہم نے اس کا جلال دیکھا, باپ کے وحید کا جلال, فضل اور سچائی سے ممور. یوحنا اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے, یہ وہی تھا جس کے حق میں نے کہا, جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا فضل پر فضل, کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح سے پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. خدا مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منشر کیا ہے. انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف, ہم اس کے معنی دریافت کریں گے, ہم کلام کے بارے میں اس کے بارے میں پڑھیں گے اور آہستہ آہستہ ہم سب جو ہے وہ اس کی گواہی جو ہے وہ دیں گے. دوسرا سوال جو اسی بشپ صاحب نے اپنے نواسی سے کیا وہ یہ تھا, اس کرسمس پر آپ کو بڑا خاص تحفہ جو ہے وہ ملا ہے, لیکن آپ اپنی سہیلیوں کو, آپ اپنے دوستوں کو کیا دینا چاہتی ہیں؟ بہت سارے دیے ہوں گے, بہت سارے نماز کے بعد دیں گے تو پورا ہفتہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ چھوٹی بچی جو ہے وہ کہتی ہے, میں دوسروں کو امن دینا چاہتی ہوں, پیس دینا چاہتی ہوں. اس اگر ہم کرسمس کو بنیادی طور پر سمجھتے ہیں تو میرے جو یہی اس کا مطلب ہے جس طرح ہم نے پہلی تلاوت میں جو ہے وہ سنا ہے, شاید نبی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کہتا ہے, اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے. ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جب دوست آ رہے ہیں, اللہ جی ہونے نہیں اٹھنا نہیں ہوں بہ ہی جانا ہی, وہ پتہ نہیں بےچارا بریسلنگ لے آیا بھی کہ نہیں آیا, ہم نے دماغ بنا لیا, کوئی اور آ گیا تو پہلے ہم نے ووٹ بنا لیا, انہیں کچھ بس منگنا ہی ہونا, خدا جانا ہے وہ شاید آج آپ کو دینے بھی آ گیا ہو, لیکن جو ہماری مایوسی ہم نے اس کے نام لگا دی ہے. بے شک بےچارا سوچے بھی نہیں شام تک میں کس لیے آیا تھا, ویسے اس نے کہا چلو یار تھوڑی سی جگہ چلتے ہیں, ملاقات ہی کرتے ہیں, رشتے ہی مضبوط کرتے ہیں, لیکن ہم نے پہلے موڈ بنا لیا ہے کیونکہ ہم پریشان ہیں, اس کے نام پر لگاؤ, ہم ذہنی طور پر تیار ہیں, ہمیں خوشی نہیں ملے گی. نہیں, ہمیں خوشی ملے گی. اور آج جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا, وہ بڑے اچھے طریقے سے کہتا ہے, آپ یسوع کی بات کرتے ہیں وہ سلامتی کی بشارت دیتا ہے, خیریت کی خوشخبری دیتا ہے, نجات کی باتیں جو ہے وہ سناتا ہے. اور میرے عزو وہ کہتا ہے کہ سہون سے کہو تیرے پہلے داروں کی آواز جو ہے وہ سنی گئی ہے. میرے عزو اگر ہم خدا کی اس منصوبہ پر عمل کرتے ہیں, خدا کی باتوں پر یقین کرتے ہیں, تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے. ہم اگر کرسمس مناتے ہیں, سلامتی کے شہزادے کو قبول کرتے ہیں, ہم یہی سلامتی جو ہے وہ دوسروں کو بھی دیں گے, ہم یہی امن جو ہے وہ دوسروں میں بھی بانٹیں گے. ایک بہت بڑا لکھاری ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے تیز چیز جو ہے وہ انسان کا دماغ ہے. اور وہ کہتا ہے افسوس اس بات کا ہے, یہ لڑائی کے لیے سوچتا ہے, یہ ہتھیار بنانے کے لیے سوچتا ہے, یہ مقابلہ کرنے کے لیے سوچتا ہے, یہ دوسروں کو ختم کرنے کے لیے سوچتا ہے. اگر یہی دماغ دوسرے کی بہتری کے لیے سوچے تو وہ خود بھی ٹھیک رہے گا. ایک دن کسی نے چھوٹا سا میسج بھیجا, چینی اچھی نہیں ہے,
वो कहता है दोनों सूरतों में ये बीमारी हुई है, आप खा लें तो फिर भी बीमारी, नुक्ता चीनी में लग रहे हैं तो फिर एक और बीमारी। दोनों सूरतों में कहता है चीनी भरी हुई है। और बहुत दफा हम असली पैगाम को छोड़कर, असली बातों को छोड़कर उन चीजों की तरफ जहां मेरे जो राघव हो जाते हैं, जिनसे मुझे भी नुकसान होता है, मेरे भाई को भी नुकसान होता है, हमारे खानदान को भी नुकसान होता है, लेकिन हम हर वक्त जो उन चीजों में जो है वो लगे लगे रहते हैं। मैं भी आपकी तरह बड़ा खुश था, 22 की रात भी आपने ड्रामा देखा, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छा ड्रामा था। किस किस को पेके पसंद आया, हम उनकी भी जरा तारीफ करें, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी शाम 23 की शाम को हमने ड्रामा देखा, बहुत ही अच्छा था, बड़े अच्छे कैरेक्टर थे। मां जो है वो ड्रामा किसको पसंद आया, शाबाश, ड्रामे वालों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। आज हम क्रिसमस की बातें करते हैं जो खुदावंद यीशु और उसकी मां के बारे में है, और कल को हमें पादरी कौन पसंद आएंगे, कल हम सब शबाद बन जाएंगे। वो एक नहीं था बेचारा जिसको सब गौर से देखते थे, वो उन्हीं को छोड़कर चला गया। हम सारे इस चीज में शामिल हैं, सारे दोस्त दूसरों को यही मशवरा देते हैं, सारे दोस्त दूसरों को माशरे में हम ये काम कर रहे हैं। हम घर में बैठकर ये सोचते हैं वालदैन की इज्जत जो है ये बहुत जरूरी है, और ये वालदैन की इज्जत का हुक्म खुदा देता है, और हमें सबसे पहले अपनी जात में फैसला करना है, हमें सबसे पहले किसकी माननी है, हमें सबसे पहले किसकी ताबेदारी करनी है, हमें वालदैन की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में देना है, और हमें खुदा की मोहब्बत का जवाब किस तरह देना चाहिए। अगर मेरे जो हम क्रिसमस के पैगाम को समझते हैं, हमें उस मोहब्बत को पहचानना है, ये वरना ये मुकद्दस यूहन्ना जो है वो अपनी इंजील में हमें बड़े अच्छे तरीके से बताता है किस तरह। वो कहता है कि वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, उन्होंने रोशनी से ज्यादा तरीके को कबूल किया। मेरे तो रोशनी उम्मीद का पैगाम है, रोशनी जिंदगी का पैगाम है। अगर आप रात की तलावतों को भी याद करें, ये रोशनी, ये बातें जो है, ये सितारा जो है, ये मेरे जो उसे मजूसी देखते हैं, ये सितारा जो है वो बैतलहम में जाकर रुकता है जहां खुदावंद यीशु है। ये सितारा जो है ये बहुत सारे लोगों की मदद और रहनुमाई करता है, और अगर हम इस सितारे को देखते हैं, हम भी उन्हीं की मानस मेरे जो उस मकाम तक पहुंचेंगे जहां खुदा मौजूद है, जहां खुदा रहता है, और उस खुदा को लोगों के साथ मिलकर सजदा करेंगे, और उस खुदा को पूरे दिल से जो है वो कबूल करेंगे। Thank you.
लायक समझा, तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आरसी के साथ की पूजा करते हैं, बख्श दे हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी सदर जमाए बल्कि आलम की कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी ट्रेवस, अपने सब आदमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। ऐ हम अपने मरहूम रिश्तेदारों को याद करें जो इस साल हमसे जुदा हुए हैं। Thank you.
आए हम ऐसे ही गुलाम की